नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीएमआर भारत टीवी में और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कल रात 8 बजे से रात के 11 बजे तक अवैध भू माफियाओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर ग्राम पंचायत साईवाड़ के जाल बाबा के पास स्थित बांध, जो कि साईवाड़ बांध के नाम से जाना जाता है, उसी जगह पर इन लोगों ने एमएलए व जम्वा रामगढ़ प्रशासन की मिले भगत से इस जमीन पर रातों रात अवैध कब्जा कर लिया। रात को जब प्रशासन को फोन किया गया तो तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, सेक्रेटरी, एसडीएम, इन लोगों को साईवाड़ सरपंच राजेंद्र बुनकर ने बार बार फोन करने के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब सरपंच राजेंद्र बुनकर ने और पूर्व सरपंच रामस्वरूप मीणा ने मौके पर जाकर पुलिस प्रशासन इंचार्ज को बुलाकर अवैध में 5 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर, 4 फोर व्हीलर, 10 मोटरसाइकिल, हथियारबंद लोगों को पुलिस के द्वारा वहां से भगाया गया और काम को ही रुकवाया गया। माना यह जा रहा है कि इस अवैध काम के अंदर सत्ताधारी लोगों की मिलीभगत होने के कारण प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये जाहिर हो रहा है कि तहसीलदार और एसडीएम साहब विधायक गोपाल मीणा के डर से मौके पर नहीं आना चाहते हैं। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने मिलकर राजेंद्र बुनकर व रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में प्रशासन को घटना स्थल पर बुलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा नेता जम्वा रामगढ़ महेंद्र पाल मीणा व पंचायत समिति जम्वा रामगढ़ भाजपा प्रत्याशी पूजन सिंह अटल ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। 4 घंटे धरने पर बैठने के बाद भी पुलिस थाना आमेर के अधिकारियों के समझाइश पर ही रास्ते को खोला गया और धरना समाप्त किया गया। पूर्व सरपंच रामस्वरूप मीणा व सरपंच राजेंद्र बुनकर ने प्रशासन से कहा है कि 2 दिन के भीतर कार्यवाही और जांच यदि नहीं की जाती है तो इसी घटना पर ग्राम पंचायत साईवाड़ के सारे लोगों को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में फिर से यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विक्रमा उठाओ, उठाओ, विक्रमा उठाओ, उठाओ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।